और इस फुलझड़ी को डालते हैं इसके अंदर। ओह भाई साहब, कुकर का ढक्कन देखिए कहाँ गया, काफ़ी ऊपर गया है। सो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। मैं हूँ आयुष और आज की वीडियो है दिवाली क्रैकर टेस्टिंग की और एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है एक कुकर, उसके अंदर काफ़ी सारे रोल कैप। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये रहा हमारा कुकर, देख सकते हैं किस तरह से चमक रहा है। और ये अंदर से देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और अभी देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले चलाएंगे बीडी बॉम्ब का बंडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको रखा इसके अंदर और इसमें थोड़ी सी बारूद डालेंगे जिससे कि सारे बीडी बॉम्ब एक साथ चल जाएंगे और जो नज़ारा होगा वो देखने वाला होगा। तो भाई चलिए इसको चलाते हैं। और भाई यहाँ आग लग चुकी है, अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, आपने देखा साउंड काफ़ी बढ़िया आ रहा था। और यहाँ पे कुछ बीडी बॉम्ब बच गए हैं क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं जा पाई। और अब चलाते हैं बिजली बॉम्ब की लड़ी को इस कुकर के अंदर और देखते हैं कैसा साउंड आता है। तो चलिए इसको चलाते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया साउंड आया और यहाँ पे छल्ले बन रहे थे जैसा कि आपने देखा। और अब चलाते हैं रॉकेट को। यहाँ पे दो रॉकेट हैं, एक नॉर्मल और एक होली का कलर वाला। तो पहले कलर वाले रॉकेट को चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे निकला ग्रीन कलर, तो कुछ इस तरीके से था। अब चलाते हैं नॉर्मल रॉकेट को, केवल इसके अंदर रख देंगे और देखते हैं कैसा साउंड आता है, क्योंकि साउंड यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। और ये ब्लास्ट हुआ, काफ़ी बढ़िया था। और अब चलाते हैं अपना मेन एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास था। यहाँ पे रोल कैप्स हैं काफ़ी सारी, तो इन सभी को डालेंगे इस कुकर के अंदर कुछ इस तरह से। और उसमें हम फ्यूज़ भी लगाएंगे जिससे कि हम इसको बाद में अच्छे से जला सकेंगे। तो यहाँ पे जब स्पार्कल जलेंगी तो ये रोल कैप काफ़ी अच्छे से जलेंगी। तो चलिए जलाते हैं, फ्यूज़ में लगाते हैं आग। तो भाई फ्यूज़ में आग लग चुकी है, अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखिए जलना स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें अंदर की स्पार्कलर जलेंगी तो देखते हैं कैसा नज़ारा देखने को आता है। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखा काफ़ी तेज़ हो गई। तो जब स्पार्कलर्स इसमें जल रही थी तो काफ़ी तेज़ ये हो गया था और देखिए अभी तक जलता ही जा रहा है। और यहाँ पे जो साउंड है काफ़ी बढ़िया साउंड आ रहा है जैसा कि आप सुन सकते हैं। और यहाँ पे कुकर में जो खाना जो है वो पकना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं काफ़ी तेज़ लपटें निकल रही हैं। तो भाई आज का खाना देखिए, इसको मैं ढक देता हूँ जिससे कि अच्छे से पक जाए। दो मिनट के लिए ढकेंगे। ओ भाई, ये क्या धुएँदार खाना हमारा रेडी हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ सोच रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमारा धुएँदार खाना बन गया और यहाँ पर एक बार फिर से आग लग चुकी है। चलिए भाई, हमारी डिश जो है रेडी हो चुकी है। तो ये रही हमारी दिवाली की जली भुंजी डिश, काफ़ी फ्रेश लग रही है देखने में। और यहाँ पे कुकर हो गया है पूरा काला। और अब चलाते हैं अनार को, तीन तरह के अनार हैं, इन तीनों को इसके अंदर रख के चलाएंगे। तो पहले चलाते हैं इस लोकल ब्रांड वाले को, पूजा नाम है इसका, देखते हैं कैसे चलता है। तो भाई देखिए जलते ही ख़त्म हो गया। अब जलाते हैं दूसरा कृष्णा ब्रांड का, तो ये काफ़ी बढ़िया अनार है, इसमें से रेड लाइट निकलती है। अब देखते हैं कैसा साउंड आता है और कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो भाई देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये था कृष्णा ब्रांड का अनार जो काफ़ी बढ़िया था।
और अब चलाते हैं इस मटकी वाले अनार को, देखते हैं क्या होता है। तो भाई काफ़ी बढ़िया था जैसा कि आपने देखा। और अब चलाते हैं इस टू साउंड स्काई शॉट को, तो देखते हैं कैसा साउंड यहाँ पे आता है। ओ भाई साहब, एक बार फिर से देखते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा दोनों ही एक साथ बच गए। अब चलाते हैं कश्मीर क्वीन स्काई शॉट को, जो कि चक्री बनती है। देखते हैं इस कुकर के अंदर क्या होता है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या हुआ, जो भी था काफ़ी बढ़िया था। और अब चलाते हैं इस क्रैकलिंग हंटर को, तो इसमें से क्रैकलिंग होती है। तो बुझ गया, और चलाओ और चलेगा क्या। ओह भाई साहब, ये देखिए अपने आप जलने लगा। इसको डालते हैं वापस से इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं साउंड कैसा आ रहा है, एकदम से खाली खाली से साउंड आ रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अब चलाते हैं इस बटरफ्लाई क्रैकर को, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे घूमता है। ओ भाई काफ़ी बढ़िया था, देख सकते हैं। अब चलाते हैं दूसरे क्रैकर को, जो कि है फोटो फ्लैश, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा फ्लैश होता है इसमें। तो भाई कुकर के अंदर फ़ोटो खींचना स्टार्ट हो गई है, तो एक बार नज़ारा देखिए काफ़ी बढ़िया है। और ये रहा हमारा चटर पटर क्रैकर, इसको चलाते हैं इसके अंदर। ओ भाई साहब काफ़ी बढ़िया साउंड था। अब चलाते हैं इस दिवाली की चक्री ईगल ब्रांड की, तो ईगल ब्रांड के क्रैकर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो भाई चक्री जल चुकी है और देख सकते हैं ऐसा लग रहा है अंदर लावा उबल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। देख सकते हैं कुकर के अंदर बन रहा है लावा। अब चलाते हैं दूसरी सुप्रीम डीलक्स ब्रांड की चक्री को, तो ये चक्री थोड़ी सी बड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये भी, इसमें भी ऐसा लग रहा है लावा अंदर बन रहा है। और अब चलाते हैं इस लटका के चलाने वाली चक्री को, तो इसमें लटकाने की जगह तो है नहीं, तो इसको ऐसे रख देंगे। तो भाई इसमें दो बार निकलता है जैसा कि आपने देखा। अब चलाते हैं होली का कलर स्मोक वाला क्रैकर, तो देखते हैं इसमें कौन सा कलर बनता है। तो भाई ये था हमारा रेड कलर, जो कि काफ़ी बढ़िया था, सब एक साथ निकल गया। और ये है हमारा स्काई शॉर्ट सेल का क्रैकर, तो देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब काफ़ी बढ़िया था जैसा कि आपने देखा, चमक इसकी काफ़ी बढ़िया थी। और अब चलाते हैं चिदंबरम ब्रांड के बड़े वाले बुलेट बॉम्ब को कुकर के नीचे। तो भाई देखिए साउंड काफ़ी बढ़िया था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया क्योंकि कुकर होता है भारी थोड़ा सा। और अब चलाते हैं इस रॉकेट के ऊपर लगने वाले क्रैकर को, तो भाई बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ, काफ़ी छोटा क्रैकर था। और अब चलाते हैं चिदंबरम ब्रांड के छोटे वाले बॉम्ब को, और ये है अनार बॉम्ब, तो देखते हैं पहले अनार की तरह निकलेगा उसके बाद ब्लास्ट करेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पे साउंड काफ़ी बढ़िया था। और ये रहा हमारा दिवाली का आलू बॉम्ब, सुतली बॉम्ब, ईगल का है, तो देखते हैं ढक्कन का क्या होता है। इसको मैंने इस बार इस नए तरीके से रखा है, ढक्कन जाएगा ऊपर। ओ भाई साहब, ओ भाई वो गया ढक्कन ऊपर, भाई काफ़ी ऊपर गया है, कैमरे में ठीक से आया भी नहीं। और वो देखिए वो गिरा, अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे गिरा है जाके। तो भाई ये रहा वो कुकर का ढक्कन, काफ़ी ऊपर गया था, ढक्कन हमारा सही सलामत है। और ये रहा कुकर जो थोड़ा सा पिचक गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो गाइस ये थी हमारी दिवाली क्रैकर टेस्टिंग की वीडियो, तो अभी और भी नए नए क्रैकर्स आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।